आप एक चीज बताइए, यहाँ पे रिया नाम की लड़की को मानसरोवर पार्क में दिन दहाड़े एक मुस्लिम युवक के द्वारा चाकुओं से गोद कर मार दिया जाता है, केजरीवाल मौन रहता है। डॉक्टर नारंग को मार दिया जाता है मुस्लिम भीड़ के द्वारा, ये केजरीवाल चुप रहता है। उसके बाद में ये विशाल सक्सेना को मुस्लिम भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है, केजरीवाल उस पर भी चुप रहता है। उसके बाद में एक ये जौनापुर साइड का ये एक पिता मतलब मुस्लिम लोगों से अपनी बेटी का इज्जत बचाते हुए मार दिया जाता है, केजरीवाल उस पर भी चुप रहता है। उसके बाद में निर्भया के जो दोषी हैं उसको निर्भया के दोषी को क्या किया जाता है कि उसके आप 10,000 रुपए दे रहे हैं और 10,000 रुपए के लिए उसके बाद में आप उसको सिलाई मशीन भी दे रहे हैं और आप अगले दिन ट्वीट कर रहे हैं कि ये कि आप हमें सरकार बनाइए, हम आपको मतलब 6 महीने में फांसी दिलाएंगे। आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? इतना हिंदुओं के लिए आपने एक स्टैंड नहीं लिया, अखलाक जो मारा गया आपके क्षेत्र में भी नहीं आता है, आप आंसू बहाने चले गए। क्यों किया आपने ऐसा? हिंदू ने आपको वोट नहीं दिया है? मैं आज खून के आंसू रो रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं आप समर्थक था, मैंने केजरीवाल को वोट दिया था, मैं उसके साथ खाना खाके 12,000 रुपए फीस भरी थी, उसके साथ थाली आपको याद होगा, जब वो भिखमंगा भीख मांग रहा था लोगों से तो मैं भी था उसमें, उसको भीख देने वाला। 12,000 आपको मैं उसका रेट बता देता हूं, उसके साथ खाना खाने का 12,000 रुपए चार्ज था। मुझे एक आशा की किरण दिखी थी, जैसे कि मेरे साथ बहुत सारे युवाओं को एक आशा की किरण दिखी थी, इसलिए कि जैसे मोदी जी कर रहे हैं ना, कहीं अगर केजरीवाल ने कर दिया ना तो काया पलट हो जाएगा। लेकिन इसने क्या किया? इसने जिस थाली में खाया, जिस जनता ने इसको वोट दिया, ये उसी में मतलब छेद कर दिया। मतलब ये एक चीज जान लीजिए कि ये लोगों को समझ के उसके भावनाओं से खेला। मेरे से पूछिए मैं कितना आहत हूं इससे, मतलब मैं इतना आहत हूं। बस लोगों को ये कहना चाहूंगा कि मतलब ये देख लीजिए कि कहीं हम 2 महीने के फ्री के बिजली और पानी के चक्कर में कहीं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जहर तो नहीं खोल रहे हैं? हम कहां जा रहे हैं, उनके लिए गड्ढा तो नहीं खोल रहे हैं? मैं 100% कह रहा हूं, उसको केजरीवाल को ये पता है कि मुस्लिम एकदम स्ट्रिक्ट है, मुस्लिम से सीखिए, अगर आपको सीखना है तो एकता क्या होता है, उनमें इतनी एकता है ना कि केजरीवाल जानता है कि अगर मैं एक चीज, मंदिर टूटने के बाद भी एक ट्वीट उसका नहीं आता है, क्योंकि वो जानता है कि ये विशेष समुदाय के लोगों ने मंदिर तोड़ा है, हम उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। अमरतुल्ला खान उसका दिन दहाड़े दिल्ली में आग लगा देता है, दिल्ली को आग में झोंक देता है, लेकिन वो क्या करता है, एकदम शांत बैठा हुआ है, उसको एक बार कोई ट्वीट तक नहीं आता है कि यार नहीं, वो समझा पाता है अमरतुल्ला को और उसका साथ दे रहा है। उसके बाद उसका मंत्री सिसोदिया आके क्या चैनल पे खुले कैमरा में कह रहा है कि हाँ हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो, एक चीज बताओ, क्या हिंदू तुम्हें वोट नहीं दिए थे? जिस दिन हिंदू से तुम वोट मांग रहे थे उस दिन मतलब क्या हो गया था, हिंदू से वोट ले ली? वो जानता है भली भांति कि हिंदू को हम, हिंदू में एकता नहीं है, हम हिंदू को बिजली पानी फ्री का लालच दे करके हम उनसे फिर से वोट ले लेंगे। लेकिन वो जानता है कि मुस्लिम में इतना एकता है कि अगर एक काम गलत कर दिया, 9 करोड़ रुपया पर मंथ 185 मस्जिदों को 9 करोड़ रुपया ये दे रहा है, हज हाउस के लिए जमीन दे रहा है, हर चीज होते हुए भी, लेकिन वो एक बार कोई एक स्टेटमेंट आप उठा के बता दीजिए कि किसी के मतलब मुस्लिम के खिलाफ उसका एक ट्वीट आया हो। वो जानता है कि मैं कितना भी कर दूंगा, अगर एक खिलाफत कर दिया मुस्लिम लोग मेरे से साइड होकर कांग्रेस के पास चले जाएंगे, इसलिए वो जान रहा है। और वो ये भी जान रहा है कि हिंदुओं में कोई आपसी सहमति नहीं है, उसमें हमेशा फूट रहा है और इसका वो फायदा हमेशा वो जैसे दूसरे पार्टी उठाते आ रहे हैं वैसे ये भी सोच रहा है कि मैं भी उठाऊंगा। लेकिन इस टाइम हिंदुओं को यूनाइट होने की जरूरत है। नहीं, आपको पता है आप किस स्टेट से हैं, आप हिंदू हैं, आप एकजुट होइए और इसके खिलाफ वोट कीजिए, नहीं तो आने वाले आपके जो नई पीढ़ी है उसको उस जैसा भी साइन बाग है, आप जाके वहां जय श्री राम नहीं बोल सकते। ठीक इसी तरह हर कॉलोनी में जहां पे उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, कश्मीर जैसे हालात पैदा होंगे, जैसे 19 जनवरी 1990 को कश्मीर में एक मस्जिद से ऐलान किया गया था कि आप अपनी बहन बेटी को छोड़कर जाए मेरे लिए और निकल जाए, जो नहीं निकले उनको वहां मार दिया गया। ठीक उसी तरह आपके साथ तो मुझे नहीं लग रहा इतना जल्दी होगा, क्योंकि अभी सेंट्रल में बैठा हुआ है उनका बाप।
तो इसलिए मैं बता दूं कि ये लोग अगर नहीं आप नहीं समझे, अगर ये फ्री के बिजली के और पानी के अगर आपने फांसी का फंदा चढ़ गए, तो आपका आने वाला बच्चा, मैं कह रहा हूं, उसके लिए आप एक नरक में उसको धक्का देके जा रहे हैं। आप तो मारी दोगे, औरों से भी मरवानी है।